नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी जो महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार अब पूरा होने वाला है। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देने जा रही है। दोस्तों, महंगाई भत्ते का इंतजार दिवाली पर ख़त्म हो जाएगा। दिवाली पर केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा, DA में हो जाएगा तकड़ा इजाफा। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की झोली में कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का तोहफा डालने जा रही है और महंगाई भत्ता बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में इजाफे से देश के लगभग 1 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा, जिसमें 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 70 लाख पेंशनर्स शामिल होंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए रोशनी आ गई है, क्योंकि रोशनी दिवाली पर आती है और दिवाली को रोशनी का त्यौहार माना जाता है। तो दोस्तों, इस पर केंद्रीय कर्मचारियों के घर लक्ष्मी पधारने वाली है, क्योंकि सरकार महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का ऐलान करने वाली है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा देने वाली है। पहले दशहरे तक इसका ऐलान की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन अब सरकार दिवाली पर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। इस बार DA में 4% का इजाफा होगा। नरेंद्र मोदी सरकार अगर केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा करती है तो महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर 40% हो जाएगा। दोस्तों, दिवाली पर केंद्रीय कर्मचारियों की हो जाएगी बल्ले बल्ले। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ते में सरकार साल में 2 बार संशोधन करती है, जो 1 जनवरी और 1 जुलाई से होता है। साल 2023 के लिए सरकार ने पहला संशोधन 24 मार्च 2023 को किया था, जिसके बाद बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ कर्मचारी और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2023 से मिलना शुरू हो गया था। तब केंद्र ने कर्मचारी को मिलने वाले 38% DA को 4% बढ़ाकर 42% पर पहुंचा दिया था। अब अगर दिवाली पर सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है तो फिर कर्मचारियों को लगभग 1 जुलाई 2023 से 4% बढ़ोतरी के साथ 46% महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। दोस्तों, कर्मचारी लगातार 4% DA हाई की मांग कर रहे हैं। महंगाई भत्ते में 3-4% की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी होगी। जो 3% की बढ़ोतरी है वह बेबुनियाद की खबरें फैलाई जा रही हैं। महंगाई दर को देखते हुए सरकार ने DA में बढ़ोतरी का फैसला करेगी। महंगाई जितनी ज़्यादा होगी कर्मचारियों के DA में उतनी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, अगर केंद्रीय कर्मचारी को दिवाली पर के तोहफा मिलता है तो फिर कर्मचारियों की हो जाएगी चांदी चांदी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।